यूपी के जनपद अमरोहा के लगभग दर्जन भर गांवों के ग्रामीण मौत का सफर करने को मजबूर हैं। अमरोहा के गजरवाला ब्लॉक के अंतर्गत वाले करीब 15 गांव जो एक तरफ गंगा नदी तो वहीं दूसरी तरफ रामगंगा पोषक नहर से घिरे हुए हैं। इन गांवों की आबादी करीब 15 से 20 हजार है। आज इतनी बड़ी आबादी को करीब 5 महीनों तक हर रोज मौत का सफर तय करना होगा। इन 5 महीनों में ये सभी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहेंगे। पिछले करीब 40 वर्षों से ये सभी लोग एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं और वो है रामगंगा पोषक नहर पर एक पक्का पुल बन जाने का। इन 40 सालों में ना जाने कितनी सरकारें आई और चली गई, फिर भी इस 20,000 की आबादी पर एक पक्का पुल तक मंजूर होकर नहीं बन पाया। हर बार इन लोगों से वोट लेने के लिए हर एक राजनीतिक पार्टी और उसके प्रत्याशी ने हर बार इन्हें धोखा ही दिया है। इतनी बड़ी आबादी को मुख्य शहर से जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से एक ही तोहफा मिला और वो है एक पेंटून पुल, जो आज पूरी तरह से जर्जर भी हिल चुका है। हर साल बरसात की शुरुआत में ही इस पेंटून पुल को हटाकर एक साइड में लगा दिया जाता है और फिर शुरू होता है मौत का सफर। अस्थाई पुल के हट जाने से इनके आवागमन का एक ही जरिया नाव बनता है। गाँव शीशों वाली, जाटों वाली, सुल्तानपुर, बिसावली और अन्य दर्जनों गांवों के लोगों को रास्ता बंद होने के कारण नाव के सहारे ही अपने घर पहुंचते हैं। अगर बात की जाए अमरोहा लोकसभा की, तो अमरोहा लोकसभा में सांसद बराबर बनते चले आए और विधायक भी बराबर बनते चले आए हैं, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि हमारे यहां पर सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय ही नेता आते हैं, उसके बाद हमारी कोई सुध लेने के लिए नहीं आता है। इस 20,000 की आबादी के लोगों का आरोप कुछ इस तरह है, ना ही हमें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है और ना ही हमारे बच्चे शिक्षित हो पाते हैं। इन बरसात के दिनों में ना जानेंगे कि इन्हें नहर पार करने के लिए एक नाव तक मुहैया नहीं कराई जाती है। 2017 में बीजेपी की सरकार बनी और पूरे 5 वर्ष यूपी पर राज भी किया, लेकिन इन दर्जन भर से ज्यादा गांवों की इतनी बड़ी आबादी पर सरकार इन्हें एक पक्का पुल तक नहीं दे पाई है। अगर अब से पिछले कार्यकाल की बात की जाए तो इस कार्यकाल में बीजेपी के सांसद रहे चौधरी कंवर सिंह तंवर ने भी बड़े बड़े वादे किए, लेकिन अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। इनकी सुध लेने के लिए कोई भी नेता या प्रशासनिक व्यक्ति नहीं पहुंचता है। लोगों का आरोप कुछ इस तरह भी सामने आया कि देश को आजाद हुए 72 वर्ष हो गए, लेकिन हम उन 72 वर्षों के बीच में आज भी आजाद नहीं है। विधायकों की या सांसदों की अगर बात की जाए तो 1952 से लेकर अब तक सांसद और विधायक बने तो जरूर, लेकिन किसी ने भी इन ग्रामीणों की सुध लेने कोई नहीं आया। सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी से बात की गई तो उसने बताया कि ये अस्थाई पुल यहां 15 जून से पहले तक लगा रहता है, लेकिन 15 जून के बाद हर साल इस पेंटून पुल को हटाकर किनारे कर दिया जाता है और बरसात का समय गुजर जाने के बाद हर बार यही पुल फिर दोबारा से लगा दिया जाता है। फिर ये दोबारा लगा दिया जाता है, हवाई लहर दिसंबर में चालू हो जाएगी, पहली जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा पुल। अच्छा, ये सिलसिला कब से जारी है इस तरीके का? ये तो साहब कम से 40 साल हो गए। 40 साल से ऐसे ही है, जब से देश आजाद हुआ है, जब से पुल आया है, जब से ये हटा दिया जाता है, आसपास हो गए 40 साल से यही, उससे पहले तो यहाँ से निकलते होंगे, क्या पता। 40 साल से यही रूटीन चलता आ रहा है। हाँ, ये रूटीन चल रहा है। क्या कोई इसके द्वारा कोई यहाँ पुल की व्यवस्था की कोई प्रस्ताव भेजा गया है यहाँ से? प्रस्ताव तो हमने एस्टिमेट बना कर भेज रखा हुआ ना, तो भेज रखा लखनऊ, पास होकर आ जाएगा तब काम शुरू हो जाएगा, तभी परेशानी दूर होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही